गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली ही हैं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब मेरी फैमिली हैं। गाइस आज हमारे जबलपुर पे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, पर जब उसका उस पर छानबीन हुई 10 मिनट के बाद, तो लोगों को पता चला कि रियलिटी क्या है। आज हमारे यहाँ दमोह नाका स्क्वायर, जो कि हमारा सारे रोड्स को कनेक्ट करता है, उस स्क्वायर पे सिग्नल्स क्लोज था और एक मेट्रो बस ड्राइवर आया और बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट करता हुआ आगे निकल गया। लोगों को लगा कि मेट्रो ड्राइवर्स की मनमानी चल रही हो, क्योंकि मेट्रो ड्राइवर्स थोड़ा फास्ट व्हीकल भी चलाते, तो लोगों को लगा मेट्रो ड्राइवर्स की मनमानी चल रही हो, उनने बस धक्का दे करके निकल गए। ड्रिंक किया हुआ था, कुछ किया था, लोगों को ऐसा लगा। लेकिन जब बात सामने आई तो पता चला कि बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुके थे। तो अनकॉन्शियस कंडीशन पे, हार्ट अटैक सिचुएशंस पे उनको खुद ही नहीं पता था कि बस कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। उन्होंने गाइस और बस को, बहुत सारे लोग खड़े थे, कुछ स्कूटीज थी, कुछ कार थे, कुछ रिक्शे थे, उनको तोड़ता हुआ आगे चला गया। जैसे कुछ वक्त के बाद बस रुका, बस रुकने के तुरंत बाद जब देखा गया तो ड्राइवर को हार्ट अटैक आ चुका था। और खुशी की बात यहाँ थी कि जिन भी लोगों को उसने एक्सीडेंट किया, उनमें से किसी भी एक भी पर्सन की जनहानि नहीं हुई, किसी भी प्रकार का किसी को कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। तो गाइज एक अच्छी बात यह है कि किसी का कुछ भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, वरना बहुत ही सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं लोगों के घर परिवार से। लोग निकलते हैं बाहर बाजार लेने, काम धाम करने, और ये सब कुछ अगर होता है तो बहुत ही बुरा सबको लगता है। तो बात बहुत अच्छी ये थी कि किसी का अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। और जो भी है गाइस, अब हम देखते हैं। मैं जस्ट इस क्लिप के बाद पे आपको एक क्लिप छोड़ने वाला हूं, उस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ। कंट्रोल सेंटर से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस वायरल हुए, मैंने वो वीडियो कलेक्ट करके आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, जो कि मैंने आपको बताया। गाइस हम घूमने फिरने, खाने पीने के सब चीज़ के बहुत सारे ब्लॉग्स बनाते हैं, पर हमें ऐसी चीज से भी जुड़ के सबको रखना चाहिए जिसमें, मुझे तो ये चीज अच्छी लगी कि एक्सीडेंट जो होना था वो तो हुआ, पर किसी की जन हानि नहीं हुई। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मानता हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगा। गाइस मैं इस वीडियो के जस्ट बाद पे क्लिप आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो भी आप पूरा देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, गाइस। आप बस देख थैंक यू सकते हैं गाइस। क्लिप इसके बाद क्लिप देख अभी ये करके आप। आप फोटो जो देख पा रहे हैं, दमोह नाका में लगे हुए कैमरे से देख पा रहे हैं। अभी सभी लोग अच्छे से सिग्नल का पालन करते हुए खड़े हैं। अचानक से ये देखिए आप, ये अनकंट्रोल्ड बस आया, इनने काफ़ी सारे लोगों को ठोकर किया। पर बात ये अच्छी है कि कुछ थोड़ा मोड़ा सबका फिजिकल डैमेज हुआ, पर कोई भी आदमी को हानि क्षति नहीं पहुंची है। बहुत अच्छी बात है ये गाइज, आप लोग देख सकते हैं। देखें आप लोग, सड़क पे हमेशा सावधानी और सुरक्षा के साथ ही सफर करें। आप अपने और परिवार का ख्याल रखिए, सड़क दुर्घटना से बचिए, बहुत अच्छे से वाहन चलाइए, हेलमेट हमेशा लगाइए, और वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का कभी भी इस्तेमाल ना करें। थैंक यू गाइस, आप सभी लोगों का वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप कृपया कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।